नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए ये फ्रेश अपडेट है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग भाई हम करने जा रहे हैं, तो मैं हमेशा की तरह आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि रीडिंग आप तभी देखिएगा जब आप श्योर हैं कि कोई तीसरा इंसान आपकी सिचुएशन में इन्वॉल्व है। अननेसेसरीली आपको सिर्फ डाउट के बिहाफ पर रीडिंग नहीं देखनी है। एंड जब तक मैं आप लोगों के लिए एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के बारे में सोचिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। तीन बार अपने पर्सन का नाम, जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तीन बार उनका नाम आपने रिपीट करना है टू टैप इन टू देयर एनर्जी। मे लॉर्ड शिवा एंड माँ भगवती गाइड एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी एंड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कार्मिक एक्सचेंजेस। चलिए, वाह, वेरी नाइस एनर्जी। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है मुझे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि आप लोगों की जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है गाइज, इसमें अभी इस सिचुएशन की एनर्जी क्या है और आप तीनों इस सिचुएशन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी इस सिचुएशन से। द वेरी फर्स्ट कार्ड, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, इज मैनिफेस्ट। वेरी नाइस। देन वी हैव अपॉर्चुनिटी बेकॉन्स। ओके, लव इज कमिंग अप, रीयूनियन हो रहा है किसी का। कोई इंसान जो है वो सोचने पर मजबूर हो रहा है, ठीक है। नंबर थ्री, नर्चर। ओके, आई एम गेटिंग द मैसेज नाउ वेरी क्लियरली। एंड अच्छा, आई थिंक हम लोगों को फाइव की जगह आज सिक्स कार्ड्स लेने चाहिए। एम्ब्रेस, नर्चर, ओ माई गॉड, एंड ऑब्जर्व। 2112 इज द एंजल नंबर फॉर टुडे। इसका जो भी मीनिंग है उसको आप सर्च करके कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी के व्यूअर्स भी देख सकते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से। बाकी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये नंबर जो है काफ़ी स्ट्रांगली आपको सेपरेशन के बारे में और यूनियन के बारे में भी बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है सेक्रल चक्र का। आप तीनों के ही जो क्रिएटिव सेंटर्स हैं, क्रिएटिव एनर्जी आप तीनों की बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिवेटेड मुझे दिखाई दे रही है। एंड आई कैन सी कि यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी बहुत जोरों शोरों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या थर्ड पार्टी शायद इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। हालांकि आपके जो पर्सन हैं वो पूरी तरीके से मुझे इमोशनली अवेलेबल इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एंड यू इन वन सिचुएशन आई सी कि आप जो हो एक कोने में खड़े होकर के सब कुछ बस ऑब्जर्व कर रहे हो। आप सारी चीज़ें देख रहे हो कि आपके आसपास में क्या हो रहा है और आप ज़्यादा कुछ एक्शन इस सिचुएशन से जुड़े हुए ले नहीं पा रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके रिश्ते की जो जड़ें हैं वो गहरी होती जा रही हैं, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं और वो बहुत अपना प्यार लुटा रहे हैं, बहुत अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन जिस हिसाब से वो नर्चरिंग वाली वाइब दे रहे हैं, उस तरीके से सामने वाले पर्सन से रिस्पॉन्स उनको मिल नहीं रहा है। कोई इंसान किसी को पीठ दिखा करके खड़ा हुआ है और अपने दिमाग में जैसे सपनों में खोए हुए हैं और चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं अपने माइंड में कि शायद कभी यूनियन हो जाएगा, शायद कभी
रिलेशनशिप में ग्रोथ हो जाएगी, कभी तो इस रिलेशनशिप में उनको एक बैलेंस वो एक्सपीरियंस करेंगे, इस तरीके से थिंकिंग आ रही है माइंड के अंदर। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि ये व्यक्ति जो है इनके इमोशंस में भी आपके पर्सन है, ये राइट इन द सेंटर आपके पर्सन की एनर्जी शायद दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन जो है जैसे ही सनसेट होता है उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। एंड स्पेशली अभी हम लोग फुल मून की एनर्जी में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सो ऑल दो आप कभी भी देखोगे फ्यूचर में तो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है डेफिनेटली, बट ये जो रीडिंग है ये फुल मून एनर्जी के साथ में आ रही है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मून के जो फेजेज हैं ऑफकोर्स क्योंकि वो हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये पर्सन जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर रही है अभी आजकल की जो एनर्जी है। और ये सोच रहे हैं कि भाई इनके पुरानी डीड्स जो है वो इनके सामने आ रही हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने ही हाथों से चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। या अगर आज के समय में ये सैड हैं और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है तो ये भी इनके अपने ही डीड्स की वजह से है, इनके अपने ही एनर्जी इनपुट की वजह से है। ये जो कुछ भी इस जादुई बक्से में से निकल के मैनिफेस्ट हुआ है वो सब कुछ इनकी अपनी ही करनी रही है, ठीक है। और इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कोशिश करी है थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करने की, या इनको ऐसा लगा है कि जैसे शुरू में मे बी कि थर्ड पार्टी के साथ में इनका एक बहुत अच्छा कनेक्ट रह सकता है या बहुत अच्छा रिलेशनशिप इनका थर्ड पार्टी के साथ में रह सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं, अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको शायद बहुत ज़्यादा टाइम और वैल्यू वगैरह नहीं दे रहे हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनकी सेम साइकिल जो है थर्ड पार्टी के साथ में रिपीट हो रही है, एज इन के जैसा जो कुछ कर्मा जो है इनका आपके टूवर्ड्स रहा है वैसा ही सेम बिहेवियर या वही सेम एक्शंस जो है इनके वो थर्ड पार्टी के साथ में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड आई फील कि थर्ड पार्टी को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी महसूस कर रहे हैं, बट वो भी कुछ ना बोल पा रहे हैं ना वो कुछ कह पा रहे हैं, बस वो सहे चले जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ओके, या उनकी कोई भाई बहुत बड़ी कोई कमज़ोरी इनके सामने है या कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो चाह करके भी कुछ एक्शन या डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। थर्ड पार्टी ने अपने आसपास ना एक इल्यूजन भी क्रिएट किया हुआ है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके कि ये जो मिडिल पर्सन है जो आपके पार्टनर है वो कभी भी उनके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, बट वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं और बैक ऑफ कर चुके हैं। वो ओके, ठीक है, लेट अस सी के जिनके बारे में आप सोच रहे हो जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो गाइस, उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके प्रति कैसी है। सो हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, देन वी हैव जजमेंट, वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। दो दो सेवन के कार्ड्स हैं। ओके, फाइव का कार्ड, इनको ऐसा लग रहा है बहुत कुछ चीज़ें ना जैसे डिसरप्ट हो गई हैं आप लोगों के बीच में। अच्छी खासी जर्नी चल रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया है, ऐसी बात आ रही है इनके मन में, बट ये होपफुल है। देखो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इनको ऐसा लग रहा है अभी भी ये संभाल सकते हैं, अभी भी ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मे बी इनको बहुत शुरुआत से इस रिश्ते के ऊपर काम करना पड़ेगा और एकदम से तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी, लेकिन हाँ इनको समय देना पड़ेगा, इनको अपनी ऊर्जा अपना फोकस सब कुछ अपने आप को पूरी तरीके से ना जैसे डेडिकेट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, तभी जाकर के चीज़ें जो हैं वो सुधरेंगी, सिचुएशन में कुछ सुधार आएगा। तो ये बात इनके मन में पूरी तरीके से क्लियर है। ये अपनी और आपकी फ्यूचर की जर्नी के बारे में भी सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं चीज़ों को सुधारने के लिए। इनके मन में ये भी बात आ रही है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके बीच में देखो बातचीत नहीं हो रही है, कन्वर्सेशन नहीं है, तो ये कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं या ये फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये फैमिली के साथ बैठ करके बात करें, फैमिली के साथ में ये डिस्कस करें आप लोगों की सिचुएशन को लेकर के कि भाई आप लोगों की
जो भी परेशानी चल रही है वो सॉर्ट आउट हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच भी कर रही है और क्लैश भी आ रहा है यहाँ पे। एक इंसान जो है वो मतलब पूरी तरीके से, शायद इनको लगता है कि आप पूरी तरीके से श्योर हो कि इन्होंने कहाँ ही जाना है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल लव कनेक्शन। ये कहीं भी लाइक भटक लें अपने रास्ते से, लेकिन भूले भटके ये आना तो इन्होंने घर पे ही है। एंड अल्टीमेटली यू आर देयर परमानेंट पार्टनर, आप उनके एक परमानेंट साथी की तरह हो। एक ऐसे इंसान या एक ऐसा रिश्ता जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होता, कोई भी आए कोई भी जाए, यू आर द परमानेंट वन। आपका रिश्ता जो है वो बहुत गहरा है। थर्ड पार्टी का जो रिश्ता अभी जड़ें पकड़ रहा है, अभी ग्रो कर रहा है, जो पौधा आपका बहुत बड़ा ट्री ऑलरेडी हो चुका है। सो देर इज दिस डिफरेंस, ओके। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के अपनी लाइफ में जी रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है किसी के साथ में। मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की वजह से आपकी इज्जत पे बात बनाई है और लोग आपको बातें सुना रहे हैं, शायद घर वाले आपको ताने सुना रहे हैं और लोग आपको जज कर रहे हैं। इस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कह रहा, बट पीपल आर जजिंग यू। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस समय पर, क्योंकि इनकी वजह से ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ रहा है, तो इन्हें आपके आसपास होना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, और आपको, आपके लिए ये डिफेंसिव होना चाहते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोगों की बातों से, ताकि आपको कोई फर्क ना पड़े या इनके किए हुई गलती की सजा आपको ना मिले, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि मिल रही है। ओके, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जो पाप किया या इनसे जाने अनजाने जो भी मिस्टेक हुई है, उसकी सज़ा जो है वो सोसाइटी या आसपास के लोग जो हैं वो आपको दे रहे हैं। एंड समहाउ आपको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि आप डिजर्विंग नहीं हो, या लोग उल्टा आपको जज कर रहे हैं कि भाई अगर कोई आपको छोड़ करके चला गया है तो उसमें ज़रूर आपकी कोई गलती होगी, राइट? सो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, या इस तरह से इनके मन में जो है विचार आ रहे हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, हमजा काज से भी चलो देख लेते हैं, रीसेंट एनर्जी देख लेते हैं, रीसेंट थॉट्स आपको लेकर के क्या आए हैं इनके मन में। नेक्स्ट गाइस, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी करने जा रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। आपके पास में कैंडल वैक्स रीडिंग का भी अपडेट आ जाएगा जल्दी। एंड लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उन्होंने रिसेंटली आपके बारे में क्या सोचा है। Oh my God, see, ये इतनी केयर आपकी करेंगे ही नहीं ना अगर इनके मन में कोई इमोशन नहीं होगा, तो क्यों कोई इंसान सोचेगा इतना। बट वो इतनी गहराई में जाकर के सोच रहे हैं अगर, दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये इंसान आपकी केयर करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन इनके सेल्फिश मोटिव्स भी हैं, पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है ये। देखो, कुछ अच्छा है तो कुछ नेगेटिव भी है, कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है। याद कर रहे हैं कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें आपको हंसते हुए देखा है इन्होंने, एंड मे बी इन्होंने कभी आपकी स्माइल को कॉम्प्लीमेंट भी दिया है। काश मैंने ऐसा ना कहा होता, कोई बात इन्होंने आपसे कही है और उसका अफसोस इनको अब हो रहा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, यही एनर्जी जो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आ रही थी, नई शुरुआत करने वाला व्यक्ति। एंड मैंने आपको छोड़ दिया इससे पहले आप मुझे छोड़ते। देखो, इनकी अपनी इनसिक्योरिटीज थी, सेल्फिश मोटिव भी यहाँ पे निकल के आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते थे या ये आपकी परवाह नहीं करते थे, लेकिन इनको कहीं ना कहीं शायद ऐसा डाउट आ रहा होगा इनके मन में कि ये अपने सही रास्ते से ये इंसान भटक गए। बट अभी की एनर्जी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और ये चीज़ें सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक, वन मोर मैसेज आपका, मेरी ज़िंदगी में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है। सो ये फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं कि आप इनके आसपास में नहीं हो, आप क्यों नहीं हो, और इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया है, और इनकी वजह से आपको पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ रहा होगा अपनी लाइफ में। आप किन हालातों से जूझ रहे होंगे, इमोशनली, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मे बी फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपेंडिंग कि आपकी क्या सिचुएशन और किस तरीके का रिश्ता इस व्यक्ति के साथ में रहा है। ओके,
सो यस, लेट्स क्लोज द रीडिंग हियर एंड वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एनर्जी एक्सचेंज जरूर करते हुए जाया करिए. एक लाइक ही आप लोगों को करना होता है, जस्ट वन लाइक. एंड अगर आप नए हैं और आपके साथ में अगर मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. ऑल्सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड उस कंटेंट में जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, मैं पोस्ट करती हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो येस, दैट्स इट. मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में. टिल देन नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी. अपना ध्यान रखिए. अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर.